हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल छात्रा इलेक्ट्रिकल हब। फ्रेंड, मैं आज एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। फ्रेंड, जितने भी मॉस्फेट वेल्डिंग मशीन चल रहा है आज का मार्केट में इंडिया में, तो तीनों कार में ही चलता है। फ्रेंड, ये देख सकते हो, ये जो कार है, इस कार में एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर लगा है, एक PWM IC लगा है, और इसमें कुछ नहीं है, और ये प्री एज ब्रिज ड्राइवर सेक्शन है, ऐसे सर्किट है। ये 200 एम्पियर का मॉस्फेट वेल्डिंग मशीन में यूज होता है, जो 3 प्लेट वाला है। फ्रेंड, फिर आप देखिए फ्रेंड्स, ये 300 एम्पियर का मॉस्फेट वेल्डिंग मशीन है, आप देख सकते हो। ठीक फ्रेंड, इसमें क्या होता है, इसमें आपका 14 वोल्ट का सेंटर टैप ट्रांसफार्मर से पावर आके लगता है। इसमें फ्रेंड देखिए, एक बूस्ट कन्वर्टर लगा है, बूस्ट कन्वर्टर से इसमें 24 वोल्ट के आसपास जनरेट कर देता है। उसके बाद फ्रेंड देखिए, इसमें कंट्रोल कार्ड लगा है। इस कंट्रोल कार्ड में एक डिफरेंस है, इसमें देखिए एक ऑप्टो कपलर लगा है, बट ये 200 एम्पियर वाले में कोई ऑप्टो कपलर लगा नहीं है। ठीक है फ्रेंड, इसमें कोई ऑप्टो कपलर नहीं है, इस जगह में आप नोटिस कीजिए, इस जगह में ऑप्टो कपलर लगा है। ये अलग टाइप का कंट्रोल कार्ड है, सर थोड़ा फंक्शन अलग है, बाकी लगभग मतलब 95% ए और ए एक ही है। इसको समझोगे तो इसको समझ जाओगे, और बाकी इसमें देखिए, इसमें इसको बोलते हैं एज ब्रिज ड्राइवर सेक्शन, इसको बोलते हैं एज ब्रिज प्री ड्राइवर सेक्शन। इधर से आपका दो आउटपुट दे रहा है, मतलब दो पैरेलल इधर से कनेक्शन किया है, दो से PWM सिग्नल आउटपुट हो रहा है, और दो से जो सिटी से लाइन आ रहा है, कितना एम्पियर करंट जा रहा है उसको ये सेंस करता है। फिर इसको रख रहा हूँ फ्रेंड, ये देखिए, ये 400 एम्पियर मॉस्फेट वेल्डिंग मशीन का कंट्रोल कार्ड है, आप देख सकते हो। इसमें डिफरेंस थोड़ा एल कटिंग का है। ठीक है फ्रेंड, इधर देखिए, इसमें 15 वोल्ट सप्लाई होता है, इसमें फ्रेंड्स 90 इस जगह में 09 वोल्ट सप्लाई देता है। इसमें दो डिस्प्ले रहता है, इसमें एक में वोल्टेज शो करता है, इधर से वोल्टेज शो करता है, इसमें एम्पियर शो करता है, बट इस डिस्प्ले में ओनली इस पीसीबी में ओनली एम्पियर शो होता है, और इसमें तो कंट्रोल कार्ड से एम्पियर ही शो होता है। और आप इधर भी देख सकते हो, सेम एज ब्रिज टोपोलॉजी, एज ब्रिज प्री ड्राइवर सेक्शन है। इधर देख सकते हो, इधर भी बूस्ट कन्वर्टर लगा है, बाकी सेक्शन लगभग सेम है। मतलब अगर ये जानोगे तो इसका 95% कवर हो जाएगा, और फिर ये जानोगे तो इसका 95% कवर हो जाएगा। फ्रेंड, ये सारे का स्कीमेट्रिक भी मेरे पास है, इसको एनालिसिस किया हूँ, मैं ट्रेनिंग भी देता हूँ, अगर आप लोग ट्रेनिंग में इंटरेस्टेड हो तो ट्रेनिंग ले सकते हो। फ्रेंड, आज मैं इस पीसीबी का थोड़ा फॉल्ट है उसको दिखाऊंगा, कैसे एनालिसिस किया वो उसके बारे में डिस्कस करूंगा। ये 200 एम्पियर, ये 400 एम्पियर, इसको मैं साइट कर रहा हूँ। फ्रेंड देखिए, तो मैं क्या करूंगा, इसमें इसे सप्लाई दूंगा, ये सप्लाई है, इस सप्लाई को मैं इन कर रहा हूँ, फिर मैं इसका जो सप्लाई है इसको भी दे दे रहा हूँ, इसका जो PWM सिग्नल आउटपुट हो रहा है मैं उसको आपको लोगों को दिखा रहा हूँ। तो फ्रेंड, अब ये देख सकते हो, ये डिस्प्ले में फ्रेंड ये देख सकते हो, डिस्प्ले ब्लिंकिंग हो रहा है, तो ये डिस्प्ले ब्लिंकिंग हो रहा है, इसको मैं सॉल्व करूंगा। तो ये डिस्प्ले ब्लिंकिंग में फ्रेंड्स और एक प्रॉब्लम होता है, इसका जो अभी जब मैं ये वीडियो को बनाने से पहले इस पीसीबी को लेकर एनालिसिस किया था,
तब इस जगह में फ्रेंड 2.7 वोल्ट आ रहा है। अभी देखिए ये 3 वोल्ट आ रहा है, ठीक है 3 वोल्ट आ रहा है। जब आप उसका और एक चीज दिखा रहे हो, इसको खोल दे रहा हूँ, अब देखिए इसमें कितना वोल्ट आ रहा है फ्रेंड, 3 वोल्ट आ रहा है। देखा अभी आप लोगों को दिखा था 5 वोल्ट आ रहा था, तो और भी एक चीज दिखा दे रहा हूँ इधर, इसका पोर्ट जो है पोटेंशियोमीटर जो करंट एडजस्ट करते हैं उसको भी मैं लगा दे रहा हूँ, उसके बाद आप लोग देख सकते हो। अब देखिए इसका आउटपुट घट जाएगा थोड़ी देर बाद, क्योंकि फ्रेंड ये एक्चुअली इसमें लोड ले नहीं पा रहा है, ठीक है। ये डिस्प्ले ये ब्लिंकिंग कर रहा है, इसका आउटपुट अभी दिखाएगा, अभी आप लोगों को मैं दिखाया था ज़्यादा, अभी कम हो रहा है। देखिए अभी कम हो गया आउटपुट, मीटर में देख पा रहे हो आई थिंक घट गया, ठीक है 3 वोल्ट आ रहा है। तो मेन दिक्कत यही है, ये डिस्प्ले ब्लिंक करता है अगर उसके बाद वेल्डिंग प्रॉपर नहीं होता है। मैं इस मीटर से भी आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ इसमें क्या दिक्कत है। मैं इसको एसी मोड में, ये इससे एसी पल्स आउटपुट होता है, मतलब ये पल्सेटिंग डीसी है। क्या है फ्रेंड्स, कोई भी ट्रांसफार्मर, ये ड्राइवर ट्रांसफार्मर को ड्राइव करता है, कोई भी ट्रांसफार्मर प्योर डीसी में नहीं काम कर सकता है। ये एक ये अब मतलब ये आपका दिमाग में ला लो, क्योंकि ट्रांसफार्मर एसी में नहीं काम करता है। अब अगर BL3 जगह किताब में पढ़ोगे उसका फ्रंट पेज में लिखा है व्हाई ट्रांसफार्मर नॉट वर्किंग इन डीसी, तो उसमें क्या होता है, इसमें लिखा रहता है, मैं एक इन डिटेल एक शॉर्ट बोल रहा हूँ। जब डीसी में ट्रांसफार्मर वर्क करता है तब उसमें बैग EMF नहीं रहता है। तो वो सारे चीजें क्यों डीसी क्यों यूज होता है, क्या होता है, वो मैं ट्रेनिंग में बोलता हूँ। अभी देखिए मैं इसको एसी में दे रहा हूँ, ऑटो सिलेक्शन में है, इसको आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। अभी कितना फ्रेंड्स, अभी देखिए 109.1 किलोहर्ट्ज में स्विचिंग कर रहा है। आपका आउटपुट वोल्टेज देखिए ये हो रहा है 1 वोल्ट के आसपास दे रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। मैं इसका ड्यूटी साइकिल भी चेक, इसका ड्यूटी साइकिल भी फ्रेंड्स देखिए, देखिए 50% है और कितना हर्ज है 109.1 किलोहर्ट्ज और 50% ड्यूटी साइकिल में ऑन हो रहा है फिलहाल। अभी इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने से पहले हम लोग एक चीज देखेंगे, ये डिस्प्ले में कितना वोल्टेज जाता है, ये जो डिस्प्ले है इसको वर्क कैसे करते हैं। ये डिस्प्ले में सिंपल तो 3 वायर गया है, एक में पॉजिटिव 5 वोल्ट जाता है, एक में GND मीन्स नेगेटिव जाता है और एक में फीडबैक जाता है। ये फीडबैक किस तरह का फीडबैक है, इसमें एक वोल्टेज जाता है, जितना वोल्टेज बढ़ेगा मतलब स्पैन है 0 to 0 मीन्स 0 शो कर रहा है और 5 वोल्ट मीन्स मैक्सिमम, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं इधर इसका वोल्टेज चेक करूँगा, इसका वोल्टेज जब हम चेक करेंगे, इधर देखिए 2 पिन शॉर्ट है नेगेटिव के साथ है, ये नेगेटिव है, उसके बाद ये पॉजिटिव है, ये Vin है जो फीडबैक है। अब लोग देख सकते हो मैं इसको वोल्टेज मोड में कर दिया, अभी मैं इसका वोल्टेज चेक करूँगा। देखिए ये ब्लिंकिंग कर रहा है, ये वोल्टेज स्टेबल नहीं है, देखिए वोल्टेज स्टेबल नहीं है। तो ये वोल्टेज कहां से आता है, ये 5 वोल्ट कहां से आ रहा है फ्रेंड, इसका स्कीमेट्रिक है इसलिए मैं एक चांस में चला जा रहा हूँ कहां पे, नहीं तो आप लोग इससे भी ट्रेस कर सकते हो ये 5 वोल्ट कहां से आ रहा है कैसे हो रहा है। तो ये 5 वोल्ट घूम फिर के इधर एक 5 वोल्ट का रेगुलेटर है उधर जा रहा है, तो रेगुलेटर का इनपुट में हम लोग देखेंगे कितना वोल्टेज है, 11.82 वोल्ट है। आउटपुट में कितना है,
इसी में मेजर करना था, ये 5 वोल्ट दे रहा है, इधर देखिए 22 वोल्ट दे रहा है। जब मैं लोड में ले रहा हूँ तो लाइट ब्लिंकिंग कर रहा है, इसका इनपुट वोल्टेज कितना है, आउटपुट 4.6 ब्लिंकिंग हो रहा है और इनपुट 22 वोल्ट है। फिर इस केस में आप लोग एक काम कर सकते हो, इसका जो एक नंबर पिन है, दो नंबर पिन, तीन नंबर पिन, ये रेगुलेटर आईसी है, ये 7805 है, 7802 नॉर्मल भाषा में बोलता है, 78 शुरू होता है फ्रेंड्स, ये पॉजिटिव रेगुलेटर है, 79 नेगेटिव रेगुलेटर है। तो ये सब चीज़ आप लोगों को ट्रेनिंग में मैं कवर करूँगा। तो आपको क्या करना है, ये नेगेटिव तो आउटपुट से कैपेसिटर लगाना है, लगा के आप देख सकते हो ये सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है ब्लिंकिंग, मतलब ये वोल्टेज स्टेबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर ये वोल्टेज स्टेबल नहीं हो रहा है तब इसको क्या करना है, इसको रिप्लेस करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ऑलरेडी मैं इसका अक्रॉस में कैपेसिटर लगा के एक चेक कर लिया, इसलिए मैं इसको ओपन मीटर को साइड करते हैं। फिर इधर से भी सोल्डरिंग करते रहो क्योंकि थोड़ा पीसीबी में प्रॉब्लम हो गया। फिर कोई भी लो सेमीकंडक्टर डिवाइस लगाने के बाद तुरंत पावर मत दीजिए क्योंकि इसमें हीट रहता है, तो थोड़ा टाइम दीजिए, नहीं तो इस हीट को, जैसे मैं ऐसे पकड़ के देख रहा हूँ ज़्यादा हीट हुआ कि नहीं, अभी ठीक है, तो मैं इसको पावर दूंगा। अभी मैं पावर दे रहा हूँ, देखिए फ्रेंड ये स्टेबल हो गया, वोल्टेज स्टेबल हो गया, इसी रेंज को मीटर को किया, अभी देखिए वोल्टेज कम था फ्रेंड्स, अभी वोल्टेज आउटपुट ज़्यादा दे दिया, ठीक है, PWM सिग्नल आउटपुट दे रहा है, ठीक है, उसका ड्यूटी साइकिल भी रेंज चेक करेंगे, देखिए अभी 50% था, इसका घट के 49.99 हो गया। फिर और एक चीज़ आपको दो मीटर में टैली करवा के दिखा दे रहा हूँ, इस मीटर में भी मैंने मेजर किया था, 5 वोल्ट आ रहा था, फिर से 3.2 हो रहा था, प्रैक्टिकल में एक्चुअली 2 हो रहा था, मैं पहले जब डिसाइड की देखा था, देखिए अब इसका आ गया, ठीक है। अभी मैं इसको क्या करूँगा, एक प्रॉब लगाऊँगा,
इसे करंट सेट हो रहा है, ठीक, करंट को मैं फुल कर दिया। देखिए वोल्टेज जो है हो रहा है 1, बट मैं आपको ये वाला मीटर में दिखा रहा हूँ, ड्यूटी साइकिल पोजीशन और किलो हर्ट्ज में रेडी है, देख पा रहे फ्रेंड। इसमें और एक चीज शेयर करना है, इस टाइप का आईसी में जो ओसिलेट जलता है, इस पीसीबी में ओसिलेट जलता है दो वजह से। एक होता है आपका जो थर्मल सेंसर है, टेम्परेचर सेंसर है, और जब टेम्परेचर सेंसर सेंस करता है ओवरहीट होता है, उस में एनटीसी करके नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट मटेरियल्स लगा रहते हैं, उसके चलते इससे फीडबैक आता है। और एक आता है इधर से जो करंट फीडबैक आता है प्राइमरी में, या जो एज ब्रिज टॉपोलॉजी लगा रहता है उसमें हाई करंट लेने से, तो तब क्या होता है उसमें ओसिलेट आता है। तो मैं इधर से दूसरे जगह से करंट इंजेक्ट कर रहा हूँ उसमें, देखिए ओसी आ गया। इस जगह में ओसी जब आता है फिर से दोबारा, मतलब जब वो नॉर्मल भी हो जाता है तब भी ये ओसी रहता है, लैचिंग टाइप का है। तो ये लैचिंग क्या है, कैसे काम करता है, ऐसे जानने के लिए अब मेरे वीडियो को फॉलो कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को शेयर कीजिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।